एंजाइम होता है इसका जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है किसी भी फ्रूट का या वेजिटेबल का ग्रोथ के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है जो जिसको बोलते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम। क्लियर? जैसे छोटा से बड़ा होता है ना पेड़ में तो वो एंजाइम की वजह से ही होता है। क्लियर है? तो आपने पढ़ा होगा शायद। तो अब एंजाइम को हमें जो है जरूरत नहीं ना, हमने जो स्टेज पर लाया था मैं वेजिटेबल है तो उसी स्टेज पर मुझे रखना है क्योंकि तभी तो साल भर रहेगा, डेढ़ साल दो साल रहेगा। अब उस एंजाइम को हमें इनएक्टिवेट कर देना है तो हम क्या करते हैं ब्लांचिंग करते हैं। क्लियर है? ब्लांचिंग करके तुरंत कूलिंग होता है, कूलिंग के बाद तुरंत चिलिंग होगा, चिलिंग के बाद आईक्यूब चला जाएगा। ठीक है? 90 दो मिनट के लिए। ठीक है? 90 ± 2 मिनट के लिए। क्लियर है? जैसे आपका जो है अब उसका जो जहाँ पे स्टेज पे था उसी स्टेज पे वो रुक जाएगा। अब उसको हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा उसको और वो डेढ़ साल दो साल आपका। डिहाइड्रेशन हाँ, डिहाइड्रेशन में आपका न्यूट्रिशनल लॉस होता है। डिहाइड्रेशन भी एक मेथड है, प्रिजर्वेशन के मेथड हैं आपके पढ़े हैं, चार मेथड होंगे पढ़े हैं, उसमें से एक मेथड ये है टेम्परेचर मेथड। लो टेम्परेचर मतलब आपको माइनस में चले जाना है, -80 नीचे सेफर टेम्परेचर जिसपे प्रोडक्ट मतलब आपका माइक्रोबियल ग्रो नहीं वो अपना सेफ हो जाता है। क्लियर? इसलिए हम एक मेथड ये है, एक मेथड वो है जो एसेप्टिक का देख रहे हो उसको हम टेम्परेचर ले जाते हैं हायर साइड में, मतलब 108 तक ले जाते हैं तो कमर्शियल स्ट्राइल हो जाता है वो, तब प्रोडक्ट सेफ हो जाता है। फिर उसमें कंटामिनेशन नहीं देंगे, एयर नहीं देंगे तो वो फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल वो है, एक प्रिंसिपल ये। क्लियर? दो प्रिंसिपल तो मेरे यहाँ, एक होता है केमिकल प्रिजर्वेशन जो आप जूस में जैसे बॉटल में पीते हो ना, बॉटल हमेशा केमिकल डाल के आता है, बॉटल नहीं लेना चाहिए जनरली, उसमें जो केमिकल डाल के वो प्रिजर्वेटिव काम करता है। ठीक है? तीसरा हो गया, चौथा है रेडिएशन है जैसे बता रहे हो, रेडिएशन वो भी एक प्रिंसिपल है। हमारे दो प्रिंसिपल हैं सेप्टिक मतलब हीट प्रिजर्वेटिव और ये। ठीक है? ये IQF है जो आप लोग पूछ रहे थे, IQF क्या है? ऐसे स्टैक होगा इसका टेम्परेचर -19 -18 है ऐसे में। अरे नहीं अंदर अंदर हो जाओ, आप एक भीड़ जाग लगेगी, जाओ निकल भाग जाओ।